ये है दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर। साधु के एक श्राप से पूरा गांव बन गया था पत्थर का। रात में नहीं जाता कोई भी, होती है अनहोनी घटनाएं। नमस्कार दोस्तों, अपुन की सुने तो आज हम भारत के एक रहस्यमय मंदिर की दास्तान सुनेंगे। तो उम्मीद है आपने लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के किराड़ू के मंदिरों की। राजस्थान की रेत को पार करते आगे निकलो तो एक शहर आता है बाड़मेर। इसी जिले में स्थित है किराड़ू के मंदिर। देखिए इन मंदिरों की भव्यता। 11वीं सदी में बने इन मंदिरों को राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है, पर ये मंदिर पिछले 900 सालों से वीरान पड़े हैं। आज भी इन मंदिरों में दिन में तो कुछ चहल पहल रहती है, पर संध्या का सूरज ढलते हुए जब रात्रि का अंधेरा छाता है तो ये इलाका वीरानी के आगोश में आ जाता है। कोई जमाना था जब इस शहर और यहाँ के मंदिरों में अपार धन संपदा थी। इस शहर में तमाम तरह की सुख सुविधाएं थी। दूर देशों से व्यापारी इस इलाके में व्यापार करने आते थे। तमाम तरह के ऐसो आराम वाला यह शहर एक दिन अचानक वीरान हो जाता है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति गुमनामी में खो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना महान और भव्य शहर एक ही रात में वीरान हो गया? इसे जानने के लिए हमें आज से 900 साल पीछे चलना पड़ेगा, जब बाड़मेर के इस इलाके में परमारवंशी राजाओं का शासन था। इस गांव की भव्यता के किस्से सुनकर एक साधु अपने शिष्यों के साथ यहां रहने आया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद साधु अपने शिष्यों को गांव वालों के भरोसे छोड़कर खुद शहर भ्रमण के लिए निकल गए। एक दिन सारे शिष्य बीमार पड़ गए। गांव की कुमारीन को छोड़कर किसी भी गांव वाले ने शिष्यों की सेवा और देखभाल नहीं की। जब शहर भ्रमण के बाद साधु वापस गांव आया तो उसे अपने शिष्यों की इस हालत को देखकर काफी गुस्सा आया। साधु ने गांव वालों को श्राप देते हुए कहा कि जिस स्थान पर इंसानों के हृदय पत्थर के समान कठोर है, जिनमें मानवीय गुण न हो, कहते हुए संपूर्ण गांव के लोगों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। और उस कुमारीन को जिसने शिष्यों की सेवा की, उसको साधु ने शाम तक गांव से चले जाने को कहा और ये भी कहा कि जाते समय पीछे मुड़कर न देखे, अन्यथा वो भी पत्थर की बन जाएगी। लेकिन कुमारीन जाते हुए पीछे मुड़कर अपने घर को देखने लगी और वह भी पत्थर की बन गई। इस तरह एक ही दिन में संपूर्ण नगर पाषाण में तब्दील हो गया। यहाँ के पड़ोसी गांवों की मान्यता है कि इस श्राप के बाद जो कोई भी सूरज ढलने के बाद इस गांव में रुकता है वह पत्थर का बन जाता है। यही कारण है कि सूरज ढलते ढलते ये गांव वीरानी के आगोश में आ जाता है। अब ये कहानी है या हकीकत, विज्ञान इन चीजों में नहीं मानता, पर कुछ भी हो ये गांव वीरान और सुनसान ही पड़ा रहता है। इतिहासकारों का मानना है कि किराड़ू मुगलों के आक्रमण के कारण वीरान हो गया था, लेकिन किराड़ू पर मुगलों का हमला 14वीं सदी में हुआ था, जबकि ये गांव उससे 200 साल पहले ही 12वीं सदी में वीरान हो गया था। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्या लोगों की मान्यताएं सही हैं कि साधु ने इस गांव को श्राप दिया, या कोई और वैज्ञानिक कारण? कमेंट में जरूर लिखें। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने भव्य मंदिरों का निर्माण आखिर किसने करवाया? तो इनके बारे में कोई लिखित प्रमाण तो मौजूद नहीं है, पर 12वीं सदी के शिलालेखों से कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जिसके अनुसार 1153 में चालुक्य कुमार पाल ने ये मंदिर बनवाए थे। पर जो भी हो, आप अगर एक बार इस जगह पहुंच गए तो आप खुद भारत की भव्यता को अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप और ही कोई काल में चले गए हो। यहाँ 5 मंदिर अभी भी मौजूद हैं, जिनकी कलाकारी ने सबको हैरान कर रखा है। आज खंडहर में बदल चुके किराड़ू के मंदिर अपने अतीत की महान गाथा सुनाते हुए आज भी भव्य रूप में खड़े हैं। वो भी क्या जमाना रहा होगा जब यहाँ बड़े स्तर पर हवन और पूजा हुआ करती होगी, सोने चांदी का व्यापार होता होगा। अपनी विरासत को ऐसे बिखरते देख दुख होता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद, जुड़े रहिए।